तो गाइज मैं लेके आया हूँ Redmi Note 7 Pro 64 GB, बिकॉज अभी 4 GB और 64 GB वेरिएंट ही मार्केट में है. अभी 6 GB 128 GB का वेरिएंट मार्केट में नहीं है. तो मैं लेके आया हूँ ये MI स्टोर से, और MI स्टोर वाले जैसे ही मतलब जब बिल करते हैं तो वो बॉक्स की सील को ओपन करके फोन चेक कर लेते हैं. चेक इन द सेंस की चेक करते हैं कि हाँ फोन इसके अंदर है या नहीं है, जिससे कि कस्टमर बाद में कोई कंप्लेन ना कर पाए. अच्छा, तो ये है ब्लू कलर और 4 GB 64 GB का वेरिएंट है और मेड इन इंडिया. अच्छा, इसके अंदर है 48+5 MP का AI डुअल रियर कैमरा एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 और 16 सेंटीमीटर 6.3 इंचेस का नॉच डॉट नॉच डिस्प्ले है. 4000 mAh की बैटरी दी गई है इसके अंदर. अच्छा, तो हम फोन का बॉक्स ओपन कर लेते हैं, और फोन का बॉक्स ओपन करके इधर कुछ नहीं है, इसे साइड में रख देते हैं. और इसमें अच्छा ये कवर हटा, इसके अंदर हमें इसका कुछ मैनुअल दिखता है. चलिए मैनुअल कौन पढ़ता है यार, मैं तो नहीं पढ़ता मैनुअल, साइड में रखो. और इसके अंदर है इसका ट्रांसपेरेंट कवर, ठीक है. कवर की क्वालिटी तो वैसे ही है जैसी पे शुरू से MI देता है. इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो ये ब्लू कलर देखिए काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और इसमें डुअल कलर है, ब्लू में भी डुअल है. ऊपर पर्पल शेड है और नीचे यहाँ ब्लू शेड है, ठीक है. डुअल कैमरा है, कैमरा आईफोन की तरह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, हटा देंगे इसको, ऑन करके देखते हैं. तो चलिए जब तक ये ऑन होता है तब तक हम इसे थोड़ा साइड में रखते हैं. तब तक हम देखते हैं कि हमें और बॉक्स में क्या मिला है. और इसके पीछे हमें सिर्फ एक चार्जर और USB टाइप सी केबल मिलती है, और टाइप सी केबल, ठीक है. ये एक नॉर्मल चार्जर है और इसमें हमें टाइप सी केबल मिलती है, ठीक है. तो ये फोन मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, और इसमें अब इसकी सेटिंग्स देखते हैं. चलिए अबाउट फोन्स, ठीक है. 4 GB रैम है और इसके अंदर 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें अराउंड 46 GB के करीब हमें मिलता है. अभी तक मैंने इसमें डेटा कुछ खास नहीं डाला हुआ है, हल्का फुल्का डेटा जो MI क्लाउड से आया होगा वो ही आया है. तो अराउंड 50 GB आप मान के चलिए. और इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभी एक नया अपडेट आया था जो कि हमें मिलता था MIUI 10, बट अपडेट होने के बाद ये MIUI 10.2.1 हो गया, 10.2 हो गया. बाकी स्क्रीन स्क्रीन भी काफी बेटर है, नॉच डिस्प्ले है, और इसके अलावा साउंड क्लैरिटी वगैरह सब कुछ ठीक है. कैमरा क्लैरिटी भी बेटर है, कैमरे से कुछ मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं जो कि मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा. इसके अलावा फोन की लुक काफी अमेजिंग है, और फोन में मेरे को कोई इशू अभी तक तो नहीं लगा. टाइप सी है, राइट हैंड साइड इसका स्पीकर है, लेफ्ट हैंड साइड इसका माइक है, और ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए है. इसके अलावा IR ब्लास्टर एंड ठीक है, 48 MP कैमरा है. तो ये था हमारे नोट 7 प्रो की अनबॉक्सिंग. और इस डिवाइस के ऊपर मैं एक रिव्यू भी बनाऊंगा, इसका हैंड्स ऑन रिव्यू कि क्या अच्छा है, और अगर कुछ खामियां हैं, कुछ दिक्कत हैं, कुछ इशू हैं तो क्या इशू हैं, ठीक है. तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस फ़ोन की प्रॉब्लम्स को लेकर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इस फ़ोन का हैंड्स ऑन रिव्यू और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स मैं उस वीडियो में हाईलाइट करूंगा.
तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।